दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको एक्स टू के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरे पास दो पोको एक्स टू है, दोनों में सेम प्रॉब्लम था। एक तो रिपेयर हो चुका है और अभी एक रिपेयर होने में बाकी है। जैसे कि ए पोको एक्स टू में कैमरा नहीं ओपन हो रहा था, इसका जो है काम कंप्लीट हो चुका है और इसमें कैमरा जो है ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कैमरा के साथ साथ और एक प्रॉब्लम आया है, टच काम नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, अभी जो है इसमें टच काम नहीं कर रहा है। इसका बैक कैमरा ही प्रॉब्लम था पहले, तो कस्टमर का बोलने का मतलब इसमें बैक कैमरा नहीं आ रहा था और अचानक जो है इसमें टच काम करना बंद कर दिया है। तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या आप इसको घर में ठीक कर सकते हो, आज इस वीडियो में डिटेल्सली एक एक चीज बताऊंगा। क्योंकि ये मोबाइल ऑलरेडी रिपेयर कर चुका हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअली में इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, कैसे आपको ठीक करना है, कितना पैसा खर्चा होगा, कहां से ठीक करना है, सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि भाई ऐसा वीडियो तो आपको मिलने वाला ही है। बाद में हम लोग जो है कोरियर सर्विस चालू कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी मोबाइल काम नहीं कर रहा है, बन नहीं रहा है, या तो बहुत ज्यादा पैसा बोल रहा है, कोई बोल रहा है मदरबोर्ड चेंज होगा, तो आप हमें आपका मोबाइल भेज के कम से कम पैसा में रिपेयर करा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में कहीं पे भी दे दूंगा, वीडियो को आखिरी तक देखते रहो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पोको एक्स टू, जैसे पोको एक्स थ्री में एक प्रॉब्लम आ रहा है, सीपीयू आईसी का प्रॉब्लम, जिसमें कि पोको एक्स थ्री में क्या होता है, साउंड कैमरा ब्लूटूथ काम नहीं करता है। पोको एक्स थ्री प्रो में क्या होता है ना, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, ऑन नहीं होता है। वो दोनों केस में सीपीयू आईसी का ही प्रॉब्लम है। तो इस मोबाइल में भी सेम वही प्रॉब्लम है सीपीयू आईसी का, जिसमें कि आपका पहले तो कैमरा काम करना बंद कर देता है और उसके बाद क्या होता है, टच काम करना बंद कर देता है। अगर आप कैमरा बंद होने के बाद कुछ दिन ज्यादा चलाते हो तो बाद में ये वाला प्रॉब्लम जो है आ जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसमें सेम प्रॉब्लम हो रहा था इसमें, लेकिन टच काम करने वाला प्रॉब्लम नहीं आया था। जैसे ही इसमें कैमरा प्रॉब्लम आया तो कस्टमर ने जो है इसको बना लिया, ज्यादा नहीं 1500 रुपया खर्चा हुआ और ये मोबाइल जो है रेडी हो गया। तो अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, टच काम नहीं कर रहा है या तो बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है, अगर आपका अभी अभी बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है तो तुरंत टच का प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा दिन के बाद जो है टच का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप उसका इंतजार ना करें, कहीं अच्छा रिपेयरिंग शॉप से सीपीयू आईसी रिवॉल्विंग करा लें। अगर आपको नहीं हो रहा है या तो टच का प्रॉब्लम आपका भी आ चुका है, तो हमें कॉन्टैक्ट करके अपना मोबाइल को रिपेयर करा सकते हो। आप कहीं से भी हो, कोरियर से आप हमें कॉन्टैक्ट करके कोरियर भेज के अपना मोबाइल को बिल्कुल सेफ तरीका से आप अपना मोबाइल को रिपेयर करा सकते हो। कॉस्ट जो है 1500 रुपया खर्चा होगा, डिलीवरी चार्जेस जो है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।